यार पॉइजन से मर जाऊंगा मैं, वैसे भी 37 सेकंड बचे हुए हैं और मेरे पास कुछ ही हार्ट बचे हुए हैं, तो मुझे जल्दी से गाय ढूंढनी पड़ेगी, उसको मिल्क करना पड़ेगा। लेकिन आसपास कोई गाय नहीं है यार, क्या करूंगा? सामने एक एंडरमैन है, एंडरमैन को मिल्क नहीं कर सकता हूँ यार मैं, करके देखते एक बट रहा है। एक मिनट, एंडरमैन मिल्क हो गया है? एक मिनट, एंडरमैन का पर्पल मिल्क पी के देखता हूँ उसको क्या होता है। ये क्या हुआ, लॉयल एंडरपल माइनक्राफ्ट बट यू कैन मिल्क एनी मॉब। आज के वीडियो में हम कोई भी मॉब को मिल्क कर सकते हैं और उसे अलग अलग एबिलिटी मिलेंगी हमें, तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक हम रखते हैं ओनली वन। आज हम कोई भी मॉब को मिल्क कर सकते हैं। आपको पता होगा हम गाय और गोट को भी मिल्क कर सकते हैं, नए वाले अपडेट में गोट को भी मिल्क कर सकते हैं, लेकिन आज हम कोई भी मॉब, यहाँ तक कि विदर और एंडर ड्रैगन को भी मिल्क कर सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं हम लोग की अलग अलग एबिलिटी भी मिलेगी उनकी मिल्क पीने से। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा बकेट। आसपास यार बकेट के लिए कोई इंतजाम नहीं है, विलेज मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बोरिंग काम कर लेता हूँ, पेड़ को तोड़ने का। बस एक पिकैक्स काफी होगा यार, एक पिकैक्स बनाऊंगा, ज्यादा कुछ टाइम पास नहीं करूंगा मैं। अभी चलते हैं अपन कोई केव की तरफ। यार यहाँ पे फॉरेस्ट बाय और प्लेन्स बाय, मतलब विलेज मिल सकता है मुझे। एक सेकंड, मैंने बोला और मुझे विलेज मिल गया। यार मेरे लक बहुत अच्छा है सब विलेज में। चलते विलेज की तरफ, और विलेज में तो आयरन गोलम भी होगा, तो मेरा आयरन का एक इंतजाम तो हो गया। वैसे तो कहा गया आयरन गोलम भाई, तो मैं काम करता हूँ, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत हेवे ले लेता हूँ। हो रहा आयरन गोलम, लेकिन इसको मैं मारूंगा तो यार मुझे आयरन गोलम का मिल्क नहीं मिल पाएगा। उससे अच्छा तो मैं केव में चल जाता हूँ, वैसे भी यहाँ पे केव बहुत सारे दिख रहे हैं। ये रहा आयरन, अपने लिए बना लेता हूँ मैं स्टोन पिकेक्स, और ये कचरा को फेंको यार। अब बारी आयरन को माइन करने की। गोलम भाई अपने बच गए, तो बस यार इतना आयरन काफी होगा, इतने आयरन से मैं 2-3 बकेट बना लूंगा वैसे भी। और आयरन को स्मेल्ट कर देते जल्दी से, और हेवेल का मैं खाना बना लेता हूँ अपने लिए। इतने ब्रेड ठीक होंगे यार, इतना काफी है पेट भरने के लिए, मेरा भूखा पेट है ना। तो सबसे पहले बनाता हूँ मैं बकेट अपने लिए। वो रहा अपना आयरन गोलम भाई, इसका पहले मिल्क निकाल के देखते हैं। सबसे पहले शायद इसका मिल्क निकाल के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा मैं, तो ट्राई करते हैं। ओके, लिक्विड आयरन गोलम बकेट, मतलब एक तरीके से दूध ही है ये आयरन गोलम का, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। आयरन गोलम को मिल्क करना पड़ रहा है, तो पहले मिल्क पी के देखते क्या होता है। ठीक है, आयरन गोलम स्पॉनर, ये पॉपी बना हुआ है यहाँ पर, तो पॉपी का कोई काम होगा। वैसे भी आयरन गोलम को पसंद है पॉपीस, और यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉपीस है, तो ट्राई करते हैं पहले पॉपीस निकाल के। यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यार डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगा वैसे, फ्लावर से कैसा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लेस करूंगा तो कुछ तो होना चाहिए। ओ भाई अपना आयरन गोलम बन गए, लेकिन अपने पेट आयरन गोलम नहीं है ये, तो ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनको मारूंगा नहीं मैं अभी, आयरन के लिए तो मारूंगा जरूर इनको। एक काम करते हैं, मेरे पास बकेट है और आसपास एक शिकार दिख रहा है मुझे, विलेज में हो तो आपको पता है विलेजर। पहले विलेजर को मिल्क करके देखते हैं, क्योंकि उनका मिल्क बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, काम आ सकता है मेरे। विलेजर का भाग गए, डर गए मुझसे। वही तो मिलेंगे विलेजर, कहाँ छुपे है भाई। वो चेस्ट है इनका, चेस्ट में और ब्रेड है, अच्छी बात है। एमरल्ड भी है, चलो इनसे ट्रेड करूंगा इनका एमरल्ड। विलेजर का वो है विलेजर बहुत सारे, चलो पहले उनको मिल्क करके देखते हैं। ये वाला काम का भी नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा दे दिए। ओके, लिक्विड विलेजर बकेट, विलेजर का मिल्क आ गया हमारे पास में। इससे क्या हुआ है, फ्री ट्रेडिंग। एक सेकंड, फ्री ट्रेडिंग मतलब क्या, इनसे फ्री ट्रेड होगा बिना एमरल्ड के? ये भीख मंगे कैसे ट्रेड करेंगे मेरे साथ? काम करते फार्मर काम का होगा। ओ भाई ये क्या था, इधर कुछ ट्रेड नहीं है लेकिन मुझे एमरल्ड दे रहा है ये फ्री में, क्या बात है। ये तो भाई इनफाइनाइट। एक बात बताओ, आपको इतना गंदा कटा है इसका भाई, इसके साथ क्या हो गया ये? ठीक है, मेरे पास पे तो बहुत सारे एमरल्ड हो गए, और मैं इतने एमरल्ड का करूंगा क्या? यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई विलेजर भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो एक और फार्मर बना अभी, इसको मालूम चला फ्री में ट्रेडिंग हो रही है। यार इतने एमरल्ड का करूंगा क्या मैं? इसका लेवल अप हो रहा है। ओके, तो पंपकिन पाई मिल गया मुझे। इससे अच्छा फूड सोर्स क्या हो सकता है यार, आपको तो पता होगा बेस्ट होता ही है। ठीक है, तो मेरे पास पंपकिन पाया हो चुका है, खाने की मेरे पास में कमी नहीं है, और अब कमी है बस आयरन की। तो वैसे भी मेरे पास में आयरन स्मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे जितने हो सकते आयरन गोलम को मैं स्पॉन कर देता हूँ, और फिर इन्हीं को मार के आयरन ले लेता हूँ इनका। अब जाके मरा है ये, मेरे दोनों पिकेक्स खत्म हो गए और अब जाके ये गरीब मरा है। ओके, 10 पीसेस हो चुके हैं, और कुछ मैंने स्मेल्ट करने के लिए भी रखा हुआ था, तो वो रहा है अपने यहाँ पर। स्मेल्ट भी हो गए होंगे अभी तक तो। ठीक है, तो ये तो सफिशियंट है इतना यार। तो एक काम करते हैं, रात का समय सोने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, गोलम का शिकार करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पॉपीज भी है। चलो जॉम्बी लिक्विड जॉम्बी मिल्क तो मिल गया मुझे, इसको मिल्क कर दिया मैंने। जॉम्बी का दूध यार कड़वा वड़वा कुछ होगा, पता नहीं क्या है। चलो पहले पी के देखता हूँ मैं, कुछ हुआ यहाँ पर। स्ट्रेंथ मिल गया मुझे जॉम्बी से, गोलम से स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे लगा था गोलम से मिलेगा, पर यार जॉम्बी के मिल्क में ज्यादा प्रोटीन निकला। अब स्पाइडर भी है मेरी तरफ ही आ रहा है। ओ स्पाइडर मिल्क मिल गया मुझे भाई, इसको मारना है क्या मुझसे? वॉल क्लाइंबिंग की एबिलिटी मिली है मुझे, स्पाइडर मैन का भतीजा बन गया हूँ मैं। चलो एक बार चढ़ के देखते हैं। ओ भाई सा, ये क्या है भाई, जॉम्बी घबरा जाएगा मुझे देख के। बेचारे के साथ गलत हुआ, जॉम्बी को देख सकते हो आप, बेचारा मासूम बोला। तो एक काम करते हैं यार, सुबह होने से पहले ग्लास चीज ट्राई करते हैं एक स्केलेटन का मिल्क निकालने की, क्योंकि स्केलेटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए। कुछ अच्छी चीज तो देगा जरूर स्केलेटन। वो रहा स्केलेटन शिकार अपना भाई, ये हड्डी का दूध कैसे निकलेगा? ओ कुछ तो मिला है मुझे, लिक्विड स्केलेटन मिल्क। चलो भाई भागना पड़ेगा पहले मुझे, तो पहले मैं जाता हूँ ये बड़े से घर के अंदर। ये बान हाउस है यार, बहुत ज्यादा रेयर नहीं होता बान हाउस? कमेंट करके आप बताना जरूर मुझे। ओके, मुझे एक बो मिला है स्केलेटन का मिल्क पीने के बाद में। यार बो तो है मेरे पास में, पर एरो नहीं है। पर मेरे पास भी बेड है तो मैं यहीं पे सो जाता हूँ। ठीक है यार, सुबह तो हो गई, और ये विलेज में जितने मॉब्स पॉसिबल है लगभग मैंने सबका मिल्क निकाल लिया हूँ। शिप का मिल्क नहीं निकलता है, शायद हो सकता है शिप का मिल्क एकदम यूनिक ना हो। तो एक काम करते हैं चिकन का मिल्क निकाल के देखते हैं, चिकन मिल्क कुछ होता नहीं है, पर ट्राई करके देखते हैं। ओ शिप का मिल्क नहीं निकला और चिकन का मिल गया, क्या बात है यार। पहले क्या होता है इससे?
चिकन फॉलिंग, मुझे चिकन फॉलिंग मिला है। इसका क्या मतलब हुआ? शायद हो सकता है मैं एकदम ऊपर से गिरूंगा तो मुझे कुछ होगा नहीं। ये बेस्ट चीज लगा यार मुझे। अच्छा यहाँ पे एरो पड़े हुए, शायद गोलम भाई ने निपटा दिया होगा। पहले मार के देखते हैं शिप को, कुछ नहीं हुआ, बस वो मिला है मुझे। यार स्केलेटन होते कोई काम की नहीं यार, हमेशा से लगता था मुझे। काम करते काउ मिल्क निकाल के देखते, काउ मिल्क तो रियल में भी होता है। अब देखते इसमें क्या होता है काउ मिल्क के साथ। ब्लैक कलर का, ओके पी के देखते हैं। पॉइजन रेजिस्टेंस, क्या बात है, अब मुझे पॉइजन नहीं लगेगा शायद। मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया है चिकन फॉलिंग ट्राई करने के लिए, तो एक काम करते हैं, अभी मेरा सामान भी कहीं पर रखा होगा, हाँ वो रहा मेरा सामान। एक काम करते हैं थोड़ा ऊपर चलते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं थोड़ा सा ऊपर, ऐसे मैं खुद के देखता हूँ। वो आप देख सकते हो यार, हवा में फ्लोट कर रहा हूँ मैं एकदम धीरे धीरे, लीफ की तरह नीचे जा रहा हूँ, मतलब सेम चिकन की तरह। ओके तो इसका मैं आर्मर बना लेता हूँ और एक आयरन का पीस रख लेता हूँ अपने पास में, बाद में काम आएगा। तो इतना आयरन सफिशियंट है, वैसे मुझे सेफ रहने की जरूरत नहीं है, इतना सब है मेरे पास में स्ट्रेंथ वगैरह। क्राफ्टिंग टेबल लेके मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे उम्मीद है ये कि मुझे धोखा नहीं देगा। कम से कम यार डायमंड लेवल तक तो ले जाना, वैसे डायमंड माइन करते नहीं बैठूंगा मैं सिर्फ लावा ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नेदर में जाना है। बार बार वॉल में चढ़ जा रहा है, स्पाइडर मैन होना मैं इसलिए। पूरा क्रीपर, इसका मिल्क निकाल के देखेंगे। और ये चिरकुट कहाँ से आ गया? अभी स्ट्रेंथ वगैरह मेरे पास में, इसी का मिल्क पी के इसी को मार रहा हूँ मैं। ये क्या है, ये कहाँ से आ गया? आइए अपने पापा के पास जाओ बेटा। चलो पहले क्रीपर का मिल्क निकाल के ट्राई करेंगे। यार थोड़ा रिस्की काम है यार ये, क्रीपर का मिल्क फिर से निकालता हूँ मैं। यार दो दो बकेट का क्या करूँगा वैसे, मैं इसको फेंक देता हूँ और पहले पीके देखते क्या होता है इससे। ये क्या था, ब्लास्ट हो गया है तो अच्छा है, बढ़िया यार। क्या वैसे करूँगा क्या मैं ब्लास्ट होकर? कोई बात नहीं, कोई मॉब के साथ जाके ब्लास्ट हो जाता हूँ मैं। काम करता हूँ, स्केलेटन बड़ा परेशान करता है हमें, इसके साथ ही जाके ब्लास्ट हो जाता हूँ। बेचारों को बुरी मौत मिली यार, पीछे वाला भी मर गया रहता वैसे तो, पर कोई बात नहीं। अभी ये क्या था, अरे गया मैं, बच, ओ भाई बच गया। कहाँ से आ रहे इतने क्रीपर? ठीक है वो रहा लावा, तो पहले मुझे थोड़ा सा एरिया साफ करना पड़ेगा नेदर पोर्टल बनाने के लिए। जल्दी से बना लेते हैं एक पोर्टल, लावा को लेते हैं यहाँ पे डालते हैं, लावा को लेकर यहाँ पर। ठीक है तो ये सब बढ़िया था इस बार, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया अपना नेदर पोर्टल, तो जल्दी से मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इसको। लेकिन एक सेकंड, मैं एक चीज़ तो भूल गया, फ्लिंट एंड स्टील भी तो चाहिए मुझे भाई। उम्मीद है कि इससे मिल जाए मुझे, इससे मिलेगा भी बिना शवल के मुझे। ओ फ्लिंट मिल गया, बिना शवल के भी फ्लिंट मिलता है। करते थे इसको लाइट अप और चलते नेदर में। भाई कसम से बता रहा हूँ इस बार अच्छा स्पॉन मिल जाए मुझे। भाई ये क्या चालू है मेरे साथ में, ऐसे स्पॉन। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपने पिछले 3 वीडियोस देखी हो मेरे माइनक्राफ्ट बट वाले, तो उसमें ऐसे स्पॉन कैसे मिल सकते हैं मुझे? भाई ये कोई कुछ स्कैम हो रहा है मेरे साथ में, माइनक्राफ्ट वालों ने, मुजैंग वालों ने कुछ गलत किया मेरे साथ में। लेकिन भाई ऐसा किसी को भी स्पॉन नहीं मिलता यार, दूसरी तीसरी बार हो चुका है लावा के बीच में। शायद मुजैंग वाले ये वीडियो और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे कभी वापस नहीं आऊंगा। जगह ये स्पॉन देने लायक भी नहीं है जगह तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे मॉब्स है, अगर इनका मिल्क मिल गया मुझे तो यार बहुत फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ज़ॉम्बी फाइट पिगलिंग से, चलते हैं भाई। ओ मैं भूल गया था यार, मैं गिरने वाला था, वैसे गिरता नहीं था, पर मुझे लगा यार नीचे गिर रहा हूँ मैं, पर मेरे पास में ये रहा ना चिकन फॉलिंग। वही बच्चे ने हमला कर दिया मेरे ऊपर, पहले इसका मिल्क निकाल के देखते हैं। और ये भाग क्यों रहा है? ओ इसका मिल्क मिल गया मुझे, ये देखो झुंड में आया तो हमला करना चालू इनका, इनको मारना नहीं चाहता हूँ, जान दो बच्चे लोग हैं भाई। लेकिन ये पागल, अब ये मरेगा, ये तो पक्का मरेगा, मार ले जितना मारना है। और भाई ये जबरजंडा मर क्यों नहीं रहा है, कौन सी चमड़ी का बना है? लगता इसके माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया इसको। खत्म, कुछ मिला भी नहीं मुझे, फालतू मर गया ये और इतना भगा दिया मुझे फालतू में इसने। लेकिन कोई बात नहीं, स्पाइडरमैन के भतीजे अपन, तो कुछ नहीं होगा हमें। पहले मिल्क पी के देखता हूँ क्या होता है इससे, कुछ तो हुआ है। नॉकबैक, एक मिनट, नॉकबैक ट्राई करने के लिए इन्हीं के ऊपर ट्राई करना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी फाइट पिगलिंग, तो इनका भी मिल्क निकाल के देखते हैं, इसको मिल्क करके देखेंगे क्या होता है। हरा कलर का दूध, भाई क्या हो रहा है, इसको भी पी के देखते हैं, कुछ तो हुआ है। फायर रेजिस्टेंस, भाई ये हुई ना यार कुछ बात यार। यहाँ पे और क्या मिलेंगे? यहाँ पे हमें मिलेंगे पिगलिंग, पिगलिंग खतरनाक भी हो सकते हैं, गोल्ड नहीं है मेरे पास में। तो एक काम करता है, गोल्ड का एक हेलमेट बना लेता हूँ क्योंकि पिगलिंग यार हमला कर सकते हैं, उनसे ट्रेड भी तो करना है मुझे। एक ही चीज है यार, ज्यादा गोल्ड है इसलिए हेलमेट बना लिया मैंने, और इस वाले को पहन लेता हूँ अभी खेलने। तो चलते हैं पिगलिंग को ढूंढने के लिए, पिगलिंग का मिल्क पी के देखेंगे कैसा होता है और क्या होता है उसमें। ये अपना पिगलिंग भाई कुछ कर नहीं रहा है मुझे, पिगलिंग का दूध पी के देखते हैं। ओके लिक्विड पिगलिंग बकेट येलो कलर का, भाई क्या हल्दी डाला हुआ था क्या इसमें? चलो इसको पी के देखते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग, एक सेकंड, गोल्ड ट्रेडिंग कैसे होगा वैसे? इससे गोल्ड है नहीं मेरे पास में, थोड़ा गोल्ड लेके आना पड़ेगा मुझे। वो रहा गोल्ड, और चिकन फॉलिंग यार बेस्ट चीज़, चिकन फॉलिंग और स्पाइडरमैन जो हम बन चुके हैं ना, वो बेस्ट चीज़ लगी मुझे, मतलब इजी टू यूज़ है और बेस्ट चीज़ लगी है। भाई मैंने उसके बच्चे को मारा तो ढूंढ रहा है मुझे वो, लेकिन मैं अपने लिए बना लेता हूँ इंगट, दो तीन इंगट तो बनी जाएंगे इससे। ये रहा अपना पिगलिंग बच्चा और ये रहा उसका पापा, ये भी तो बच्चा है। यहाँ पे इतने बच्चे क्यों है यार, नर्सरी क्लासेस चालू है यहाँ पर। एक सेकंड, गोल्ड कम हुआ मेरे पास से, ये क्या मिला? आयरन नगेट 16 वो भी। अच्छा मैं शिफ्ट कर रहा तो खुद ही ट्रेड कर रहा हूँ खुद से। अच्छा ये था क्या एबिलिटी यार, बढ़िया है ये तो यार, मतलब पहले मालूम चल रहा था, इतने टाइम से भटक रहा था मैं, कुछ मिला मुझे? अच्छा कुछ भी नहीं मिला, पर ये तो पता चल गया मुझे कि मैं खुद से ट्रेड कर सकता हूँ अब। तो एक काम करते हैं, अपन ढूंढते सबसे पहले फोर्ट्रेस और एक बैस्टियन। ये रहा रुइन पोर्टल, रुइन पोर्टल में थोड़ा बहुत गोल्ड मिलता है,
ओहो यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड और गोल्डन एप्पल भी है, लेकिन एक सेकंड यार एंडरमैन भी है यहाँ पर, तो एंडरमैन का मिल्क निकाल के देखता हूँ इनकी आंखों में, देखूंगा मैं। ओहो एंडरमैन का मिल्क मिल गया मुझे और पर्पल कलर का मिल्क है इनका। चलो पी के देखते हैं पहले क्या हुआ। अच्छा ये मिला है मुझे लॉयल एंडरपल। लॉयल एंडरपल से क्या होगा, क्या 10-12 एंडरपल बन जाएंगे इससे? अच्छा ओ भाई क्या एबिलिटी है यार, बढ़िया एंडरमैन, बढ़िया लोग हैं एंडरमैन, अनलिमिटेड हो चुके हैं मेरे पास में। तो अगर मैं एक और को मिल्क करके देखूंगा, आ गया एक और एंडरमैन, चलो इसको भी मिल्क करके देखते हैं। और अगर इसको मिल्क करने के बाद भी मुझे एक और एंडरपल मिला ना तो मज़ा आ जाएगा। दो दो हो गए, लेकिन ये एंडरपल का वो काम नहीं होने वाला है जो मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, दो दो एंडरपल तो और भी बढ़िया बात है। वो रहा अपना फोर्ट्रेस और वो रहा ब्लेज, इसका मिल्क करके देखेंगे हम क्या मिलता है इसके मिल्क से। वैसे ये थोड़े पावरफुल मॉब्स है तो इनका मिल्क अच्छा ही होगा। और वो रहा कंकाल मतलब विदर स्केलेटन, इसको मार के देखेंगे। और यार खुद जाऊंगा यार, मेरे पास में चिकन फॉलिंग है तो यार डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं इसको मारने से पहले मैं इसका मिल्क निकाल के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है इसका मिल्क ले लिया मैंने, पहले भाग के देखता हूँ यहाँ से। ठीक है सेफ पोजिशन में हूँ मैं, पहले इसका मिल्क पी के देखेंगे क्या होता है। ओके तो इसके मिल्क से क्या हुआ, ब्लेज फायरबॉल। भाई किधर है फायरबॉल, मिला तो नहीं मुझे। वैसे होगा एबिलिटी शायद, कभी ना कभी मालूम चलेगी क्या एबिलिटी थी। ओके ब्लेज रॉड भी मिल गया मुझे। वो रहा कंकाल, वो पीछे देख रहा है, हिसाब से जाता हूँ मिल्क करके आता हूँ उसको। तो इसका मिल्क पी के देखते हैं इसके मिल्क से क्या मिला। कल लक, अरे यार ये हमला कर रहे हैं मेरे ऊपर, पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा मुझे। कल लक है मेरे पास में, शायद मैं उसको मारूंगा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे स्कल मिले। और वैसे मुझे विदर को तो मारना ही है, यहाँ पे है अपने शिकार, इसको मार के देखते हैं। अगर मुझे स्कल मिला तो अच्छी बात है। ओके स्कल मिल गया, एक और स्कल मिल गया। भाई क्या बात है, मतलब दो विदर स्केलेटन को मारा हूं मैंने और दो स्कल मिल गए और एक की आवाज आ रही है। ओके तो ये रहा लास्ट शिकार अपना। ओके एक और स्कल मिल गया यार, ये भी आ जाओ तुम भी मरो सब मरो, चार स्कल हो गए मेरे पास में। अब तो मैं विदर को इजीली मार ही दूंगा। ओ एक मिनट, ये क्या था, ये मैंने फेंका, पीछे तो कोई है नहीं मेरे। अच्छा ओ भाई ये बढ़िया था यार, ये बढ़िया था गुरु। ब्लेज रॉड से मैं ब्लेज बन सकता हूँ, मतलब ये देखो जैसे इसको फेंक के मार सकता हूँ, पर ये भी तो फायर रेजिस्टेंस होते हैं, इनको कुछ होता नहीं है। ओके तो मुझे ब्लेज रॉड जमा करना है, बस एक काम है भाई। ये फोर्ट्रेस के रहने वाले लोग भी घबरा जाएंगे, क्या कर रहा हूँ मैं ये। ओके तो 7 ब्लेज रॉड मिल गए मुझे, चलता हूँ मैं यहाँ से, वैसे भी 7 में हो जाएगा काम अपना। मैं सोच रहा हूँ जल्दी चलता हूँ मैं और ढूंढता हूँ एक बैस्टियन, बैस्टियन में यार गोल्ड मिलेगा मुझे, बहुत सारा गोल्ड। भाई ये ब्लू वाले बायो में रह के तो फायदा हो गया मुझे, सामने बैस्टियन है पीछे फोर्ट्रेस है। और ये वाला बैस्टियन बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो गोल्ड है ना, गोल्ड आसानी से बाहर में मिल जाता है और ये लोग बेवकूफ पता नहीं अंदर पहरेदारी करते हैं और यहाँ पे गोल्ड छोड़ के चल जाते हैं। बट से मैं गोल्ड माइन कर लेता हूँ पूरे के पूरे। देखो यार मैं बैस्टियन में आ चुका हूँ तो ब्रूट को मिल्क क्यों ना किया जाए, क्योंकि यार ब्रूट का मिल्क खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो मॉब भी खतरनाक है। वो रहा ब्रूट, मुझे बस भाग के जाना है और उसका मिल्क लेके आना है, मुझे भाग के जाना पड़ेगा, वैसे ब्रूट खतरनाक होते हैं। ओ भाई पीछे पड़ गया, मेरे पीछे पड़ गया, भागना पड़ेगा। आ जाओ भाई मेरे पीछे आ जाओ, बाय बाय। भाई चिकन काम आ गया अपने यार, यार खुद तो नहीं जाएगा, वैसे भी पागल होते हैं लोग। पहले मैं इसका मिल्क पी के देखता हूँ, ब्लैक कलर का मिल्क, बाप रे कुछ तो हुआ है, हार्ट बढ़ गया मेरे। भाई क्या बात है, अगर मैं और मिल्क लेके आऊंगा तो और हार्ट बढ़ेंगे मेरे, लालच बुरी बला है। लेकिन चलो ठीक है भाई, वो रहा अपना शिकार, वापस ऊपर आया हूँ मैं, चलते हैं उसके पास वापस और इस बार जल्दी भागूंगा मैं, वैसे भी इस बार तो ज्यादा हार्ट है मेरे पास। पी के देखते हैं मिल्क, नहीं हार्ट तो बढ़े नहीं पर हार्ट फुल हो गए मेरे। जब मेरे पास में इतना सारा गोल्ड हो ही चुका है तो क्यों ना सेल्फ ट्रेडिंग किया जाए, मतलब खुद से ट्रेड कर सकता हूँ मैं अभी। चलो तो बस मुझे शिफ्ट दबाना है और चीज़ें मिले जा रही है मुझे। अभी क्या मिला मुझे, ओ एंडरपल मिल गया, 3 एंडरपल, क्या बात है यार। बस ऐसे करना है, मेरा गोल्ड अपने आप खत्म हो रहा है और मुझे चीज़ें अपने आप मिल रही है। 9 एंडरपल हो गए यार, लक तो अच्छा चल रहा है, सही बात है, हम खुद से धोखा कैसे कर सकते हैं। ओ भाई कितने सारे एंडरपल है, 16 एंडरपल ठीक होंगे। एक काम करता हूँ मैं, पहले एंडरपल का बना लेता हूँ मैं आई ऑफ एंडर। यार हमने सारे मॉब को तो मिल्क कर लिए नदर के लगभग, बस एक मॉब बचा हुआ है, आपको तो पता होगा वो है घास्ट। तो पहले घास्ट को ढूंढते हैं, घास्ट यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे, सोलसन वैली में जाना पड़ेगा मुझे। देखो भाई यहाँ पे है घास्ट, अब इसने मुझे देखी उससे पहले मैं इसको मार देता हूँ और इसका मिल्क ले लेता हूँ। पहले इसको अपने पास बुलाना पड़ेगा, देख ले भाई मुझे या जो भी है, तो खुदना पड़ेगा मुझे। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, और मिल्क मिल गया मुझे, भाई ये क्या चालू है। तो इसको भी निपटाना पड़ेगा, बाय 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 घास्ट, जल्दी मर जा यार मैं मर जाऊंगा। ओके घास तो खत्म, पवन चलते हैं ऊपर क्योंकि मेरे पास में फायर रेजिस्टेंस है। ओके भाई जान पे खेल के मैं इसका मिल्क लेके आया हूँ और चलो पी के देखते क्या होता है। वेट ये क्या हुआ, इसको फेंकते हैं पहले कचरे को, फायरबॉल स्टाफ काम आने वाला शायद। भाई ये बेस्ट लगा मुझे अभी तक, होता क्या है पहले चेक करते हैं। एक काम करते हैं, अभी मेरे ऊपर एंडरमैन खोला था, नहीं एंडरमैन खतरनाक हो सकता है, पर कोई बात नहीं, ये फिर से सटक गया ये। ओ भाई मैं घास बन गया हूँ, ब्लास्ट भी हो रहा है वहाँ पर,
तो मतलब अब बारी है विदर को और एंडर ड्रैगन को एक साथ मारने की यार। एक साथ नहीं मारूंगा तो मजा नहीं आएगा कुछ। तो ठीक है, हम घास्ट को तो मैंने मार दिया, तो एक काम करता हूँ, जैसे इन लोगों ने स्पॉन दिए थे वैसी जगह मैं अपना पोर्टल बनाता हूँ फिर से। पोर्टल तो बना लिया मैंने, पर मोजैंग की देवता से दुआ करता हूँ कि अच्छा स्पॉन मिले मुझे। आखिरकार एक बार तो अच्छा स्पॉन दे ही देंगे ये लोग। चलो लाइट अप कर देते हैं और चलते हैं नेदर के बाहर। मैं केव में स्पॉन मिला है मुझे, इन बच्चों को मारने से अच्छा तो विदर और एंडर ड्रैगन को मारूंगा मैं। चलते पेड़ के ऊपर पहले, ठीक है, और यहाँ से फेंकते आया फेंडा। आ गया, अच्छा फ्लावर बायो में जाना लगता है मुझे। भाई टूट क्यों गया? 13 बजे मेरे पास में वैसे इतने से काम हो जाएगा। मेरे पास में लॉयल एंडर पर्ल है, तो इसको फेंक फेंक के आगे बढ़ता हूँ यार। मेरे पास में वैसे भी दो दो है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। वो नीचे का आया फेंडर, आया फेंडर नीचे गया अपना। मेरे पास में 12 ही बचे हैं वैसे भी। अच्छा ये तो वापस मिल गया, चलो खैर। मुझे लगता है इसके ठीक नीचे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, और पोर्टल रूम भी जल्दी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मौसी कोबलस्टोन ब्रिक्स तो मिल गए मुझे, तो ये भी होना चाहिए अपना पोर्टल। तो देखते किस्मत कितनी अच्छी है मेरी। अरे ये गरीब कहाँ से आ गए। ओके तो मेरे हिसाब से होना चाहिए पोर्टल रूम इस तरफ कहीं पे। डायमंड्स, क्या बात है, वो रहा पोर्टल रूम। मैंने आपको बोला था ना यार, किस्मत मेरी कभी कभी मेहरबान भी होती है। तो मैं सोच रहा हूँ एक स्वॉर्ड बनाया जाए, क्योंकि आयरन एक्स तो मेरा पूरा खराब हो चुका है, तो ये वाला आयरन एक्स को फेंकना पड़ेगा। तो पूरे फेंडर को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये रहा अपना लास्ट वाला। चलो पोर्टल तो एक्टिवेट हो गया। ओके तो मैं एंड में तो पहुंच गया। और भाई गिर क्यों रहा था मैं यहाँ पर, यहाँ से गिरूंगा तो हो गया फिर। अपने पास में लॉयल एंडर पर्ल है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ सेंटर में। तो सबसे पहले एंडर ड्रैगन तो वहां पर रही अपनी एंडर ड्रैगन। तो मैं सोच रहा था एंडर ड्रैगन को मिल्क करने से पहले ये गरीब कहाँ से आ गया। पहले कर देता अपन विदर राक्षस को स्पॉन। जैसे मैं इसको स्पॉन करूंगा मुझे इसका मिल्क लेना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। अब एंडर ड्रैगन भी वो रही, ठीक है भाई, गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ मैं। और विदर को भी यहाँ पे कर देता अपन स्पॉन। ये रहा बकेट, और मैं लेके भाग रहा हूँ डायरेक्ट। इधर का दिमाग खराब हो गया ना तो मेरे ऊपर पड़ जाएगा पीछे। वो रहा अपना इधर, मैं दूर भाग रहा हूँ इससे। और इज्जत से मैं पीऊंगा इसका मिल्क, इसके मिल्क में बहुत दम होगा यार। ये देखो ये रहा अपना लिक्विड इधर मिल्क। अरे भाई ये क्या है ये सब, ये लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं मेरे, मेरे पास में स्टाफ है। चलो पहले पी के देखते लिक्विड मिल्क क्या होता है। कुछ तो मिला मुझे, विदर स्टाफ। विदर स्टाफ से क्या होगा? ओ भाई विदर, विदर हेड फेंक रहा हूँ मैं। विदर की एबिलिटी आ चुकी है मेरे पास। नहीं अरे यार ये फिर सटक गया। एक काम करते हैं, स्पाइडरमैन की एबिलिटी से मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहले। पड़ा ड्रैगन को डैमेज, पहले इसको तोड़ते हैं अपन विदर की हेल्प से। इसको भी तोड़ देते हैं विदर की हेल्प से। ओके एंडर ड्रैगन का मिल्क मिल गया मुझे। पहले मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके वो दोनों से चले गए, तो मैं ड्रिंक पी के देखता हूँ क्या मिला मुझे। अच्छा मुझे ड्रैगन स्टाफ मिला है। भाई दिल से बोल रहा हूँ, अगर ड्रैगन स्टाफ बेकार निकला ना तो भाई मैं नहीं जीत पाऊंगा इन दोनों से, क्योंकि अब मेरे पास में उतनी चीज़ें भी नहीं है, मतलब टाइम लग जाएगा मुझे। एक सेकेंड, इसको डैमेज पड़ा है एंडर ड्रैगन को, डैमेज पड़ा हवा में, वो मेरे थ्रू शायद। हाँ ये देखो आप। ओ भाई ये हुई ना कुछ बात यार। पहले एंडर ड्रैगन को निपटाऊंगा मैं। नहीं एंडर ड्रैगन ईजी है, पहले विदर को निपटाऊंगा। ड्रैगन को डैमेज पहुँच रहा है। अच्छा मैं किसी को भी डैमेज दे सकता हूँ, जैसे एंडरमैन को देखो बेचारा गरीब। पहले इसको मार देता हूँ मैं एंडर ड्रैगन को। एंडर ड्रैगन की मौत मेरे पास लाई है, तो चलो एंडर ड्रैगन को मैंने निपटा दिया। क्या बात है यार, अब बारी है विदर की। ओके तो एंड तो आज़ाद कर दिया मैंने, पर अब बारी है विदर की। तो डैमेज तो पहुंच रहा है इसको वैसे तो देखा जाए तो। ओके तो भाई मेरी भी हेल्थ रीजनरेट हो चुकी है, और विदर की भी। तो एक काम करते, विदर यही कहीं पे होगा, वो उड़ा रहा होगा किसी एंडरमैन को। चलते विदर को मारने के लिए। और अब मैं पांच चीज यूज करने वाला हूँ, ज्यादा चीजें यूज नहीं करूंगा फालतू की। पांच चीज काम आ रही है मुझे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे स्टाफ। और पंपकिन पाई खाने के लिए जस्ट, वो उसकी भी अभी जरूरत नहीं है। वो रहा विदर, शिकार पता नहीं किसको मार रहा है वहां पर। ओके तो उसको डैमेज तो दे रहा हूँ मैं, अब मेरे ऊपर आएगा वो बंदा। यार चिकन फॉल मेरे पास में है तो डरने वाली बात क्या है। और विदर बच्चा कितना इजीली मर रहा है बेचारा। ओके तो इसकी हाफ हेल्थ करनी पड़ेगी मुझे पहले। भाई एंडरमैन को तो उड़ा रहा है हवा में, अब पागल हो गया ये। ऑब्सिडियन की पिलर ही तोड़ दिया। ओके भागना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है। अब भागने वाली कोई बात ही नहीं, अब 1v1 लड़ेंगे पूरा। और कितना इजीली डैमेज पहुंच रहा है इसको। ओके अब आखिरी विदर की मौत आ चुकी है, खत्म विदर। क्या बात है यार, इन्हें फालतू फालतू के क्या क्या सामान मिल गया मुझे, इनको फेंकना पड़ेगा पहले। आप लोग कमेंट करके बताना आपको इन तीनों में से कौन सा स्टाफ ज्यादा अच्छा लगा। वैसे ये वाला सबसे खतरनाक लगा मेरे हिसाब से तो एंडर ड्रैगन वाला, क्योंकि एंडर ड्रैगन है यार वो, खतरनाक तो होगा ही। और फिर विदर वाला और मेरे हिसाब से ये उतना सही नहीं था, पर ये भी अच्छा ही था। तो एक काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है इस वीडियो का लाइक एम ओनली 1, तो लाइक एम तो ओनली 1 रखते हैं। और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं और जा रहा हूँ सीधा वॉइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अमेजिंग वीडियो आते रहेंगी। बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अमेजिंग वीडियो हमेशा आते रहेंगी। कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जो लगता है कर दो। डिस्कॉर्ड में आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। बाय बाय गाइस, जय हिंद।